अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से लच्छा पराठा की रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या है कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लच्छा पराठा बनाने के अज्जा बता देती हूँ कि लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें मैंने लिया है ये घी लिया है, और साथ में मैंने लिया है 1 कप पानी, और साथ ही लिया हमने 1 कप भर के मैदा, और ये लिया मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, और साथ ही मैंने ली है 1 चाय का चम्मच चीनी। तो चलें दोस्तों, अब हम लच्छा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर अब मैं ये डाल लूँगी मैदा। 1 कप भर के मैंने इसमें मैदा डाला, और अब मैं इसके अंदर नमक और चीनी ऐड करूँगी। और नमक और चीनी ऐड करने के बाद हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक, चीनी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी। घी डालने के बाद हम इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर हद से ज़रूरत पानी शामिल करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर पानी शामिल करते जाइएगा, और फिर हम इसको आटे को गूंद लेंगे। तो अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसके अंदर नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें, हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, और फिर हम इसको मज़ीद गूंद लेंगे अच्छे से। तो ये देखें, मैंने आटे को जो है अच्छे से गूंद लिया है। अब आटा गूंदने के बाद हम इसको ढक कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आधा घंटा हमें हो चुका है। अब हम आधे घंटे के बाद आटे को चेक करते हैं। तो ये देखें, आधे घंटे के बाद जो है हम इसके पेड़े बनाएंगे आटे के। तो हम आटा निकाल लेते हैं। आटा निकालने के बाद हम इसके दो हिस्से करेंगे। तो ये देखें, दो हिस्से करके हमने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। अब हम इसको किनारों से हल्का हल्का प्रेस करते हैं, और अब हम इसको बेल कर रोटी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने हल्का हल्का घी लगाकर रोटी को बेल लेना है, और रोटी बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। ब्रश की मदद से आपने इस पर अच्छे से घी लगा देना है, और घी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर मैदे से इसकी डस्टिंग कर दूंगी, और अब नाइफ़ की मदद से हम इसको कट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसकी लेयर्स कट कर ली हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी लेयर्स कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इसको मज़ीद हल्का हल्का करके घुमाएंगे और इसका पेड़ा तैयार करते हैं। तो ये देखें, इसका हमने पेड़ा तैयार कर लिया। इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेना है। 1 कप मैदे से हमारे 2 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो ये देखें, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको बेलेंगे। तो 10 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको बेल कर इसका पराठा तैयार करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको हाथ से हल्का हल्का प्रेस करना है, और इस तरह से ये देखिए, मैंने पराठा बेल लिया है। अब तवा या पैन गरम करेंगे, और अब हम इसके ऊपर पराठा डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। तो पराठा जितना धीमी आंच पर पकेगा उतना ही मज़ेदार होगा, तो इसलिए आप इसे धीमी आंच पर पकाएं। एक तरफ से हल्का सुनहरी होने लगे तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से पकाएंगे हम। तो ये देखिए, अब हम इसे पलट देंगे, और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो घी लगाकर हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। तो याद रहे, आपने पराठे को धीमी आंच पर पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पकाते हैं तो पराठा अंदर से कच्चा होगा और बाहर से जल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप पराठे को धीमी आंच पर ही पकाएं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत हमारा लच्छा पराठा जो है तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से देखें, हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा तैयार करते हैं। तो ये देखें, दूसरा पराठा भी जो है मैंने तैयार कर लिया है। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें जनाब, हमारे दोनों लच्छे पराठे पककर तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
बहुत ही मज़ेदार पराठे बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए